हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक और आइए हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं ALP एग्जाम्स के लिए। ALP में कितने एग्जाम होते हैं और तीनों एग्जाम को क्या सब सिलेबस है, क्या सब उसका पैटर्न है और आपको इसकी तैयारी के लिए क्या सब चीज़ें करनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करें ALP में कितने सारे एग्जाम होते हैं। इसमें टोटल आपका 3 एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका जो होगा वो होगी आपकी 3 एग्ज़ाम। वो तीनों एग्ज़ाम कौन से होगी? CBT। CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी वैसा टेस्ट जो आपका कंप्यूटर पे हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT 1, CBT 2 और CBT 3। CBT 3 को ही हम लोग साइको टेस्ट बोला जाता है, यानी कि साइको टेस्ट जो होती है वो CBT 3 को ही कहा जाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके तीनों का फुल डिटेल में हम लोग समझते हैं इस वीडियो को और हम आपको बताएंगे कौन सी आपको किताब पढ़नी चाहिए, कौन सा आपको कोचिंग पढ़ना चाहिए और कितने दिन में आपको तैयारी होगी, कितना इसका कट ऑफ मार्क होगा, कितना पासिंग मार्क होगी और आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर क्या होगा। SC ST OBC ये सब के लिए कट ऑफ मार्क कितनी रखी गई है रेलवे में। तो आइए हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल फुल डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में है ये सब चीज़ें क्या। सबसे पहले तो देखिए CBT 1 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। CBT 1, ओके। इसमें देखिए जो आपका जो बताया गया पैटर्न इसका आपका है मैथ्स, नंबर 2 है रीजनिंग और नंबर 3 जो है और नंबर 4 है जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। तो जनरल अवेयरनेस को GA लिखते हैं और करंट अफेयर्स को CA लिखते हैं। अब देखिए आपका मैथ्स में से जो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएंगे आपका मैथ में से क्वेश्चन आएगा 20, ठीक है, और रीजनिंग में से क्वेश्चन आएगा 25 और साइंस में से क्वेश्चन आएंगे 20 और GA और CA यानी कि जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में वो सिर्फ और सिर्फ 10। तो ये जो एग्ज़ाम होगी CBT 1 ये टोटल आपका 75 मार्क्स का हो, यानी कि 75 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा और इसके लिए आपको टोटल 60 मिनट यानी कि 60 मिनट का आपको समय मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 75 क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब आपको इसमें से इतना सारा क्वेश्चन मिलेगा। अब निगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, इसमें 1/3 निगेटिव होगा और पास करने के लिए अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वो आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरह से। पासिंग मार्क जो होगी वो हम आपको बता रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। भारत में जो है आरक्षण सिस्टम शुरू हो रही है अभी, तो जिसमें कि देखिए SC ST OBC, उसके बाद फिर देखिए SC ST OBC जनरल कैटेगरी में भी 10% का आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा PWD कैंडिडेट होती है। और तो आइए हम लोग सबके बारे में समझते हैं। पासिंग मार्क यानी कि सबसे पहले देखिए कितनी चाहिए पासिंग मार्क CBT 1 एग्ज़ाम को पास करने के लिए। क्या है CBT 1 एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितना कितना चाहिए मार्क्स? तो ये 75 मार्क्स में से जो UR को वो लगभग में 40% मार्क्स इसको चाहिए, इसको जो है 40% मार्क्स चाहिए। और OBC को पास करने के लिए चाहिए कितना? 30% मार्क्स। और SC कैटेगरी के स्टूडेंट को चाहिए OBC और SC दोनों को बिल्कुल 30% बराबर में ही मार्क्स चाहिए। और एक होती है ST कैटेगरी, इसको पास करने के लिए 25% मार्क्स चाहिए। अब ये जो है एक तरह का पासिंग मार्क दिया है रेलवे अपनी तरफ से, इसका क्या फ़ायदा है और इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है? अब देखिए आप लोग अगर 75 को अगर आप लोग 75 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 75 × 4 = 300, लगभग में 30 नंबर। यानी कि आपको अगर UR कैटेगरी में आप आते हैं और आपको इस एग्ज़ाम को पास करना है तो आपको 75 नंबर में से 30 नंबर, कम से कम आपका 30 नंबर चाहिए। अगर आप 30 नंबर ले आए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट 30 नंबर से कम लाएगा वो पहले ही यानी कि छट चुका है, उसकी गिनती नहीं होगी, भले रेलवे को स्टूडेंट पूरे या फिर ना पूरे। तो कम से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य है, वो वहाँ पे कटिंग मार्क दिया गया है। अब 30 से जितना ज़्यादा हो सके, जितना जैसे 55, 60, 65, तो
तो अब रेलवे क्या करेगा कि 50% से ऊपर वाला का अगर वो लेना शुरू करेगा तो 50 से जितना कम होगा उसको नहीं लेगा। तो उसका मतलब ये हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका 30 से ऊपर आ गया जनरल कैटेगरी में है तो उसका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो 75 का 40% यानी कि 40% जो है वो 30 नंबर आता है वो चीज़ है। अब देखिए इसको देखिए, ओबीसी को 30% नंबर चाहिए। अब देखिए 75 का 30 नंबर कितना होता है, तो 75 का जो 30 नंबर है, 75 का 30 नंबर तो 5 × 3 = 15 और 7 × 3 = 21 22, यानी कि 22.5, यानी कि जिस भी स्टूडेंट को 75 नंबर में से 22.5 नंबर आता है वो स्टूडेंट ओबीसी से क्वालिफाई है। अब इसका अब स्टूडेंट की संख्या जितनी ज़्यादा होगी अब उसमें मतलब डिपेंड करेगी, 22.5 नंबर से ऊपर जिस भी स्टूडेंट का नंबर होगा उसका लिया जाएगा। तो ये रहा इसका भी, देखिए 30% 22.5 नंबर आती है। अब देखिए एसटी का है 25% नंबर, तो 25% कितना होगा 75 का 25% कितना होगा वो आप लोग निकाल लीजिए। 75 को 4 भाग में डिवाइड करिए तो 18.75, ये इसका नंबर रहा। अब देखिए इसमें एक और कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं हम लोग पीडब्ल्यूडी। एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होती है, एक होती है पीडब्ल्यूडी करने जिसको कि विकलांग कैटेगरी दिव्यांग कैटेगरी उसको बोलते हैं। इसको जो है 2% का छूट मिलता है, यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से आप हैं जो भी स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी आते हैं तो उसका टेक्नीशियन, चूँकि अब देखिए एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होगी वो तो एक साथ होती है, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी से अगर आप हैं तो आप फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको पास करने के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपको यहाँ पर 38% ही नंबर चाहिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 28% नंबर ही चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, एससी एसटी ये सब में सभी लोगों को 2% की छूट मिलेगी। तो ये रही बात, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये तो रहा आपका कट ऑफ मार्क, यानी कि इतना परसेंट से कम आपको इतना नंबर चाहिए। अब क्या बात कर लेते हैं, इसमें जितने सारे सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, ये सब देखिए। तो इसको थोड़ा सा बस हम लोग डिटेल में समझते हैं। मैथ्स में आपको टोटल पढ़ाई करनी है 30 चैप्टर, यानी कि 30 चैप्टर में आपका 30 या फिर 31 चैप्टर में का पूरा मैथ ख़त्म हो जाएगी। रीजनिंग में देखिए इसमें भी लगभग में 30 चैप्टर है। और अब देखिए साइंस में देखिए आपका फिजिक्स हो जाती है, केमिस्ट्री हो जाती है और आपका बायोलॉजी होता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों मिला करके आपका साइंस बनता है। इसमें से टोटल 25 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें कि फिजिक्स में से अकेले 14 से 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रही, अब है आपका जीए जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, इसमें से टोटल 10 नंबर है। अब देखिए इस 10 नंबर कहाँ कहाँ से पूछेगा, अब देखिए जीए जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर इसमें देखिए कितने सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं आपका आर्ट पेपर में देखिए आपका है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक जीके, उसके बाद देखिए गेम जीके यानी कि खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको आएगा कंप्यूटर से, ये तो रहा आपका आर्ट पेपर में यानी कि जनरल अवेयरनेस, ये रहा जो कि यानी कि इस जनरल अवेयरनेस में आपका साइंस पेपर को छोड़ दिया गया है। अब देखिए करंट अफेयर्स भी इसी में क्वेश्चन आ जाती है, तो वो उसमें कहाँ से पूछे, इंडिया करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, लेकिन आपको देखिए मेन रूप से कहाँ पर ध्यान देनी है, मेन रूप से आपका साइंस मैथ और रीजनिंग पर अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो कितना नंबर 65 नंबर आपके कवर रहती है। और इस बेसिक जीके में से तो वैसे भी 5 से 6 नंबर आराम से आ ही जाएंगे, यानी कि आपको CBT 1 एग्ज़ाम को पास करने के लिए कम से कम आपका जो सेफ है स्कोर होगा वो होगा आप लगभग 50 से 55 या फिर उससे ज़्यादा जाइए, 50 नंबर हम बिल्कुल सेफ मानते हैं और लगभग 80% तक सेफ मानते हैं। वैसे आप जितना ज़्यादा ला सकते हैं नंबर उतना ज़्यादा लाइए।
अब ये रही बात सीबीटी वन को पास करने, आपके पास कम से कम 50 से 55 नंबर आप लाइए, आप पास हो सकते हैं। अब देखिए, और तो ये सीबीटी वन एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आपको दूसरे एग्ज़ाम में जाने के लिए आपको ये टिकट की तरह काम करती है। फिर जब आप सीबीटी वन एग्ज़ाम का रिजल्ट में आपका नंबर आ जाता है तो आपको क्या होता है सीबीटी टू एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। अब हम जानते हैं सीबीटी टू एग्ज़ाम के बारे में। देखिए सीबीटी टू एग्ज़ाम जो है ये आपका दो पार्ट में होगा एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम जो है पार्ट ए और पार्ट बी। अब ये जो है आपका सीबीटी टू एग्ज़ाम ये आपका मेन एग्ज़ाम है, इससे आपका मेरिट तैयार होता है, आपका मेरिट बनता है। तो इसमें देखिए आपका सीबीटी वन का पार्ट ए में आपका 100 क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी 100, और आपको इसमें जो टाइम मिलेगा वो आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का टाइम मिलेगा। पार्ट बी में आपका क्वेश्चन आएगा 75, इसमें आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो इस 100 का इसका पैटर्न हम आप लोग जान लेते हैं। इसमें आपका है मैथ्स, फिर है रीजनिंग, और तीसरा जो पेपर है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और चौथा जो पेपर है वही GA और CA, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। तो ये सब आपका इसका पैटर्न है। इसमें देखिए मैथ्स में से क्वेश्चन आएगा 25, रीजनिंग में से भी क्वेश्चन आएगा 25, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से क्वेश्चन आएगा 40, यानी कि 40 क्वेश्चन, और GA और CA में से क्वेश्चन आएगा 10, सिर्फ और सिर्फ 10। अब देखिए सीबीटी 2 एग्ज़ाम का पार्ट ए जो है ये 100 नंबर की होगी, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा इसको पास करने के लिए। इसमें भी बस वही बात है, यू आर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी को 40%, SC और OBC को 30% नंबर चाहिए, पार्ट ए की बात कर रहे हैं, और ST कैटेगरी को 25% चाहिए। PWD कैंडिडेट को 2% का छूट मिलेगा अपने अपने कैटेगरी में। इसके अलावा अब देखिए कि अब है पार्ट बी, पार्ट बी जो एग्ज़ाम है सीबीटी वन एग्ज़ाम की तरह ही है, यानी कि सीबीटी टू का पार्ट बी जो है इसमें जो है इसको स्पेशली रूप से ट्रेड टेस्ट बोल सकते हैं। ये ट्रेड टेस्ट क्या होती है और आपका जो टेस्ट होगा एग्ज़ाम होगा वो कौन से ट्रेड से होगी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। अब देखिए ALP का जो वैकेंसी है, ALP और टेक्नीशियन दोनों वैकेंसी कम्बाइन रूप से निकली है। ALP वैकेंसी आपका जो पार्ट ए एग्ज़ाम है वो तो आपका मेरिट तैयार कर देगी, लेकिन आपका ट्रेड टेस्ट लेगा। अब मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रीशियन से ITI किया है, या फिर हमने फिटर से ITI कर रखा है, या फिर हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इस सब में से हमने इंजीनियरिंग कर रखी, या फिर डिप्लोमा कर रखा है, या फिर BE कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ये कर रखा है, तो हमको एक ट्रेड टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अब हमारा जो स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चूँकि ये लोको पायलट का जो फॉर्म है ये स्पेशली ITI के स्टूडेंट के लिए ही है, पहले के ज़माने से चला आ रहा है, ITI के स्टूडेंट ही ALP में जाते थे, इंजीनियरिंग वाले बहुत कम उसमें इंटरेस्ट लेते थे, और रेलवे भी उसके लिए कोई नियम नहीं बनाए थे। लेकिन इधर आके BTech इंजीनियर या फिर डिप्लोमा ये सब लोगों ने बोला कि हाँ मुझे भी तो मिलना चाहिए अधिकार कि ALP का फॉर्म भर सके। अभी तो आपको पता है बेरोजगारी किस चरम सीमा से गुजर रही है, इसमें IIT से पास इंजीनियर ग्रुप डी को ज्वाइन किए, तो उस स्थिति में BTech वाले भी ALP को ज्वाइन करते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो इसके लिए एक नियम बनाया कि ट्रेड टेस्ट होगा, तो ट्रेड टेस्ट होगा जैसे कि मान लें हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, अब ट्रेड में तो अब ITI में तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहीं तो है ही नहीं, लेकिन वो जो किससे सिमिलर है, तो आपको ट्रेड टेस्ट के रूप में आपके पास एक ऑप्शन आती है कि आपको देखिए चाहे वो भले ही इंजीनियरिंग किया है लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट जो है वो ITI का DGT का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। जिस तरह से ITI का स्टूडेंट क्या कर रहे थे, वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग उसको कभी पढ़ना नहीं था लेकिन फिर भी उसको एग्ज़ाम लिया पार्ट ए में, लेकिन उसी तरह से पार्ट बी को क्या किया, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को पार्ट बी बोला कि तुमको देना पड़ेगा ITI का ट्रेड टेस्ट, क्योंकि ALP वैकेंसी जो है ITI के स्टूडेंट के बेसिकली ध्यान कर दे करके बनाया गया है। तो अब देखिए इस ALP में आपका जो ट्रेड टेस्ट में आपके पास जितना भी ऑप्शन मिलेगा वो सब में से कोई भी आप चुन सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन से आपने ITI कर रखा है, या फिर वायरमैन से ITI कर रखा है, तो आपको कौन से ट्रेड से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये रेलवे अपनी तरफ से कोई नहीं बताया कि आपको इलेक्ट्रीशियन, अगर आपने ITI किया है तो आपको इलेक्ट्रीशियन से ही देना पड़ेगा। आप चाहे तो फिजिक्स और मैथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं,
आप चाहे तो आप हीटर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑटोमोबाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो रेफ्रिजरेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आईटीएम जो भी ट्रेड टेस्ट होता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने च्वाइस के अनुसार जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते। अगर मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिशियन से किया आईटीआई और हमको ट्रेड टेस्ट हमको देना है वायरमैन से या फिर फीटर से ही क्यों ना, तो हम फीटर से भी ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जो है वो क्या है ना कि आपका 75 मार्क्स की होगा और ये जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो भी स्टूडेंट 75 मार्क्स में से 30% नंबर लाएगा, यानी कि 30% नंबर लाएगा। यहाँ पे देखिए आरक्षण व्यवस्था यहाँ पर नहीं अपनाया गया है और इसमें ऐसा जो भी स्टूडेंट 35% को क्रॉस करेगा उसका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, पार्ट बी क्वालिफाई उसको माना जाएगा। और ये 35 है एससी कैटेगरी के लिए भी, एसटी कैटेगरी के लिए भी, ओबीसी के लिए भी और जनरल कैटेगरी के लिए भी, और अभी जनरल कैटेगरी में जो आरक्षण दी गई है उसको भी, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी इसमें कोई छूट नहीं है, यानी कि सबके लिए इसमें 35% नंबर लाना अनिवार्य है। तो ये रही बात। अब 75 का 35% लगभग में 26 point something होती है, तो आपको लगभग में 27 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। 27 से अगर आपका नंबर कम गया और भले ही आपने पार्ट ए में काफ़ी अच्छा यानी कि परफॉर्मेंस किया, आपने प्री टेस्ट जो है CBT 1 उसमें काफ़ी अच्छा से निकाला है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको छांट दिया जाएगा अगर आप 26 point something नंबर से, आप 27 नंबर से अगर आप कम लाते हैं। तो ये तो रही बात है। CBT 1 मैंने बताया, CBT 2 का पार्ट ए बताया, CBT 2 का पार्ट बी बताया, अब हम लोग बात कर लेते हैं CBT 3 के बारे में। तो अब देखिए जैसे ही आप लोग CBT 1 पास किए तभी तो आपको CBT 2 का रिजल्ट मिला। CBT 2 पास करने के बाद आपको साइको टेस्ट लिया जाएगा जिसको कि CBT 3 कहा जाता है। पहले के ज़माने में यानी कि 2014 में जिस समय हम पास किए थे उस समय क्या था कि पेपर और पेन पे लिया जाता था ये टेस्ट, लेकिन अब वो जो साइको टेस्ट है वो अब कंप्यूटराइज हो गई है, वो भी अब कंप्यूटर पे लेगा टेस्ट, अब कंप्यूटर पे टेस्ट लेगा, वो सब कुछ पहले से फिक्स है। आपके पास जो लगभग में इस एग्ज़ाम को 40 से 50 मिनट का समय लगता है इसको लेने के लिए। तो अब यहाँ पे टोटल 5 टाइप का आपको टेस्ट लेता है, मेमोरी टेस्ट लेता है, टेबल टेस्ट लेता है, ब्रिक टेस्ट लेता है और दो और मतलब कि सारणी वाले टेस्ट लेता है। और ये सब टेस्ट का जो है अभी से बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, CBT 1 और CBT 2 पे आपको ध्यान देना है। जैसे ही आपका CBT 2 एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद CBT 3 यानी कि साइको टेस्ट को तैयार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का समय लगता है। 7 से 10 दिन के अंदर में आप 100% इसको तैयार कर सकते हैं और इसका जो पासिंग मार्क है वो है 42% नंबर। आपको इसमें 42% मार्क्स आ गया तो आप आसानी से इसको पास कर सकते हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा साइको टेस्ट जो है बहुत आसान है, तभी तो 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब साइको टेस्ट आएगी तो हम उसके लिए एक फ्रेश सा वीडियो बना लेंगे, फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि आपको साइको टेस्ट के बारे में अभी से थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, आपको ध्यान देना है CBT 1 और CBT 2 पे। देखिए आपको CBT 2 का फुल सिलेबस आप पढ़ लीजिए, उससे CBT 1 आसानी से क्रैक हो जाएगी। तो ये तो रही बात आपको लोको पायलट के एग्ज़ाम्स के बारे में, ये सब एग्ज़ाम आप पास कर देते हैं। अब हम एक चीज़ बता रहे हैं मेरिट कैसे तैयार होती है। मेरिट जो तैयार होती है तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं मेरिट कैसे तैयार होती है, तभी आप उस तरह से पढ़ाई कर पाएंगे और एग्ज़ाम को भी दे पाएंगे। मेरिट कैसे तैयार होती है तो इसके लिए दो तरीका अपनाया जाता है। CBT 2 का पार्ट ए, देखिए आप लोगों को CBT 2 एग्ज़ाम में 2 part में एग्ज़ाम लिया था, पार्ट ए जो कि 100 नंबर वाली थी और पार्ट बी जिसमें कि ट्रेड टेस्ट था। ट्रेड टेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग थी, 35% आपको नंबर लाना था, और CBT 1 जो है वो भी क्वालिफाइंग थी, उसमें आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना था, कम से कम आपके कैटेगरी के परसेंटेज से ऊपर करना था स्कोर। तो ये तो हो गई, CBT 1 का कोई वैल्यू नहीं रहा, CBT 2 का पार्ट बी का कोई वैल्यू नहीं रहा मेरिट के लिए। तो मेरिट के लिए आपको CBT 2 का पार्ट ए में का जो 100% का 100 नंबर को जो था 100 मार्क्स का था, इसमें से आपने जितना भी नंबर लाया, मान ली इसमें से हमने 80 नंबर लाया यानी कि 80% नंबर है इसमें से ले आए हैं। अब दूसरा जो है CBT 3
CBT 3 यानी कि साइको टेस्ट, इसमें से हमने 42% पे पासिंग है, लेकिन हम इसमें से कितना नंबर ले आए हैं, हम इसमें से नंबर लाए हैं 70% नंबर लाए हैं, यानी कि हम इसमें 70% नंबर जो है हम हासिल किए हैं। अब आपका मेरिट कैसे तैयार होगा, तो इसका जो यानी कि पार्ट एक में से इसमें से 70% नंबर वो लेगा, यानी कि 70% नंबर इसमें से निकालेगा और 30% नंबर इसमें से निकालेगा, तब जाके दोनों को मिक्स कर देगा। तो इसका 70% कितना होगा, यानी कि 80 का 70% 856, यानी कि 56 नंबर आपका यहाँ से आपको माना। वैसे आपने यहाँ पे 80 नंबर लाया है, लेकिन आपको इसमें से 56 नंबर इसमें से निकालेगा और इसमें से क्या करेगा, इसमें से 30% नंबर निकालेगा, यानी कि 70 का 30% कितना हुआ, 721, यानी कि 21 नंबर। दोनों को अब जोड़ेगा 21 नंबर। अब देखिए दोनों को ये जोड़ेगा तो क्या होगा, 6 × 1 = 7 और 5 × 2 = 7, यानी कि आपने फाइनली रूप से 77 नंबर हासिल किया है। आपका मेरिट कितना हुआ, 77। आपका मेरिट कितना हुआ, 77। अब आपकी जो सिलेक्शन होगी, 77 आपका मेरिट होगा और आपके इसी पर रैंकिंग हो जाएगी, 90 नंबर, 80 नंबर, 70 नंबर, 77 नंबर, 65 नंबर, 60 नंबर, सबका साइको टेस्ट ही सबको मिलाकर ये आपका मेरिट हो गया। इसके अनुसार आपका लिस्ट तैयार हो जाएगी और आपके लिस्ट के अनुसार आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलेगी, पहले ज्वाइनिंग मिलेगी। आपका स्कोर अगर बहुत अच्छा होगा तो आपको ट्रेनिंग भी पहले मिल जाएगी, आपको मन चाहा मिल जाएगा, मतलब कि आपका डिवीजन जोन ये जो भी हो तो वो सब पोस्टिंग वगैरह। अब आपका इसमें अच्छा स्कोर हो जाएगा, ये जो आपका मेरिट अच्छा हो जाएगा, तो अगर आप टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल है तो आपको टेक्नीशियन का भी रिजल्ट मिलेगा और लोको पायलट का भी रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब रही बात। वैसे टेक्नीशियन के जो मेरिट तैयार होगी वो पार्ट ए से ही हो जाएगी तैयार, और लोको पायलट की जो मेरिट तैयार होगी पार्ट ए और साइको टेस्ट दोनों को मिला करके। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सब बातें समझ में आ गई होगी। अब हम आप लोगों को थोड़ा सा बताए आपको तैयारी कैसे करनी है। आपको तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा। मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग, मास्टर नोट्स में हम आपको नोट्स दिखा रहे हैं, ये है मास्टर नोट्स का फुल सेट, ये हम आपके घर तक भेजते हैं स्पीड पोस्ट से। और स्मार्ट वीडियो कोचिंग का मोबाइल एप्लीकेशन है, हम आपको उसका लिंक देंगे, आप उसको इंस्टॉल करिएगा। तो स्मार्ट वीडियो कोचिंग में हम मास्टर नोट्स में जितने भी सारे टॉपिक है, CBT 1 के लिए, CBT 2 के लिए और साइको टेस्ट के लिए, तीनों का जितने सारे टॉपिक है सबको हम वीडियो के रूप में आपको हम पढ़ाएंगे। उसमें वीडियो पहले से अपलोडेड है, बस आप ये स्मार्ट वीडियो कोचिंग जैसे आप कोर्स खरीदिएगा तो आपके आपके फ़ोन में उसको हम इंस्टॉल करवा देंगे बिल्कुल 24 घंटे के अंदर। फिर आप उसको जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस टाइम चाहे आप देख सकते हैं स्मार्ट वीडियो कोचिंग में सीख। जैसे कि मान लीजिए मास्टर नोट्स में से हमको पढ़ना है मैथ का, मैथ का चैप्टर निकाले टाइम एंड वर्क, हमको यहाँ पे मैथ का चैप्टर मिल गया नोट्स के रूप में, टाइम एंड वर्क मिल गया। अब हमको टाइम एंड वर्क सिखाएगा कौन से कोचिंग जाएंगे पढ़ने के लिए, आप हमारे पास तो आ नहीं सकते पढ़ने के लिए, आप कहाँ पर, बेंगलोर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में, फिर ऑल ओवर वर्ल्ड बोल सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, स्मार्ट वीडियो कोचिंग और तो नोट्स तो आपको मिल गया टाइम एंड वर्क का। अब टाइम एंड वर्क को सीखने के लिए कोई वीडियो लेक्चर चाहिए, तो इसको हमने सिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ दो घंटा में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे पूरा टाइम एंड वर्क हम आपको बनाना सिखा देंगे। आप सिर्फ 2 घंटे के अंदर पूरा टाइम एंड वर्क क्वेश्चन बना दीजिएगा और आप सीख जाइएगा बेसिकली, और इसका 75% क्वेश्चन जो आप मुँह जवानी बना लीजिएगा। तो ये रहा स्मार्ट वीडियो कोचिंग मास्टर नोट्स के बारे में। इसको खरीदने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, फिर आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, और आपको कुछ और चाहिए जानकारी के रूप में तो कमेंट कर दीजिए। और हमारी मेहनत के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और आप अपने दोस्तों को भी अवेयर करिए। लोको पायलट के लिए स्पेशल यही चैनल है अभिषेक कोचिंग सर्विसेज, आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी करवाइए। हम जैसे कोई वीडियो अपलोड करें थोड़ा सा आप जरूर देख करके लाइक जरूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपको फिर मिलते किसी और वीडियो में। और हाँ, आप लोगों को बिल्कुल लगातार मतलब क्लासेस मिलेगी यूट्यूब पे भी और स्मार्ट वीडियो कोचिंग पे तो मिल ही रही है, तो आप हमें प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएँ, ये आपका कर्तव्य है।